ये है दोस्तों मोटोरोला का रेजर रोलेबल कॉन्सेप्ट स्मार्टफोन। बहुत ही यूनिक, बहुत ही कूल इनोवेशन आपको यहाँ पर मिलेगा। जहां पर अगर आप देखोगे ये नॉर्मल 5 इंच वाला आपको फोन मिल रहा है, ये एक पीओलेड डिस्प्ले है, 15:9 आपको एस्पेक्ट रेशियो मिलता है। लेकिन यहाँ पर पावर बटन पर अगर आपने डबल टैप किया इस तरीके से, लुक एट दिस, 6.5 इंच की डिस्प्ले पर ये एक्सपांड हो जाता है, जो बहुत ही कूल कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसका सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप YouTube ओपन करते हैं और अगर आपने कोई भी वीडियोस देखा है और सिर्फ आपको उसको लैंडस्केप में डालना है, ये ऑटोमेटिकली 5 इंच से 6.5 इंच में उसको जो वो रोल कर लेता है, एक्सपांड कर देता है, ताकि आपका वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा हो जाए। फिर आप उसको वापस से पोर्ट्रेट में लाकर उसको डबल टैप करके उसको 5 इंच में जो वो लेके आ सकते हैं। वैसे उन्होंने एक और तरीके से ऑप्टिमाइज किया है, अगर आपने जीमेल ओपन किया वहां पर अगर आपने सिर्फ टाइप करने पर टैप कर दिया तो नीचे से कीबोर्ड ऑटोमेटिकली एक्सपांड हो जाता है और वो डिस्प्ले 6.5 इंच की हो जाती है। ये मुझे बहुत ज्यादा कूल लगा है। फिर आप चाहो तो डबल प्रेस करके पावर बटन दबाकर फिर वो 5 इंच पर लेके आ सकते हैं और कीबोर्ड फिर वापस से वहीं पर भी आपको शो कर सकता है। तो यहां पर उन्होंने ये सिर्फ एक ऐप का कॉन्सेप्ट बताया, इसका मतलब ये कि आप कोई भी ऐप में अगर सिर्फ कीबोर्ड के सेक्शन में आप सिर्फ टैप करते हैं, कीबोर्ड ऑटोमेटिकली डिस्प्ले के साथ यहां पर जो वो एक्सपांड हो जाता है। अच्छा, उसके अलावा दोस्तों पीछे की तरफ आपको एक और सेकेंडरी डिस्प्ले उन्होंने ये दिया है। इसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले या दूसरे नोटिफिकेशंस वगैरह देखना है, वो सारे काम आपको मिल जाएंगे। लेकिन इसकी खासियत ये भी है कि आप रियर डिस्प्ले से, रियर कैमरे से भी फोटोज ले सकते हैं, जैसे कि हमें दूसरे फोल्डेबल फोन्स में देखने को मिलता है। और सबसे बड़ा जादू उसका ये कि यही जो डिस्प्ले है, यही रोल होके आपको 5 इंच से 6.5 इंच में जो कन्वर्ट करके देती है। यानी कि पीछे वाला ही डिस्प्ले जो वो रोल होके आता है नीचे से और सामने की तरफ से वो एक्सपांड होके ऊपर चला जाता है और वो 5 इंच से 6.5 इंच हो जाता है। इसीलिए ये एक रोलेबल फोन है, यही उनका कॉन्सेप्ट है। वैसे इसमें सेल्फी भी है। आप सोच रहे होंगे कि सेल्फी कैमरा कहां पर है, तो आपको कैमरा ओपन करना है और सेल्फी में जैसे आप टैप करेंगे तो जो मेन विंडो वो नीचे हो जाएगा और जो पीछे वाला जो सेक्शन है वो सामने की तरफ आ जाएगा और इससे आप सेल्फीज भी यहां पर निकाल सकते हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों इस फोन के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता है, इसके अंदर क्या फीचर्स है, क्या स्पेक्स वगैरह है, लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट फोन है जो हमें इंडिया में हो सकता है फ्यूचर में देखने को मिल जाए। और ये तो सिर्फ एक प्रोटोटाइप है, लेकिन हो सकता है ग्लोबली भी इसको वो आगे चल के कमर्शियली भी अवेलेबल कर दे। लेकिन जो कॉन्सेप्ट यहां पर मुझे लगा है वो बहुत ही यूनिक, बहुत ही कमाल का है। एक छोटा सा 5 इंच वाला फोन डबल टैप करते ही वर्टिकली यहां पर ये 6.5 इंच में कन्वर्ट कर लेता है और उसके साथ उन्होंने जो काम लिया है जैसे कि YouTube वीडियोस में, जीमेल में और दूसरे एप्स का जो सपोर्ट दिया है, ये मुझे बहुत कूल लगा है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको जाते जाते बताता हूं। डबल टैप करते ही वॉलपेपर भी देखेंगे कैसे कि उसके साथ मूव करता है और वापस से मैं डबल टैप करता हूं, ये देखेंगे बहुत ही कूल एनिमेशन है। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके बताइए, ये फोन कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और MWC के ऐसे ही कवरेज चाहिए तो कमेंट करिए, लाइक करिए, सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहे। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।